Hi guys, welcome to my YouTube channel. Excuse me please, और मैं हूँ कृति and होली आने वाली है and होली आने वाली है इसलिए मेरा ये वीडियो obviously होली के ऊपर है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ प्री एंड पोस्ट होली केयर टिप्स फॉर योर वेलनेस गाइस एंड इसमें होने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको आजमाने हैं होली के पहले भी और होली के बाद भी ताकि आपकी स्किन आपके हेयर आपके नेल्स आपके हैंड्स आपकी होल बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली रहे बिल्कुल झकास गाइस क्योंकि क्या होता है जब होली आती है जैसे अभी मौसम भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं प्लस होली के बाद अचानक से गर्मी हो जाएगी जिसके कारण और बीमारी बढ़ेगी एंड उसके पहले जब हम लोग रंग खेल लेंगे होली वाले दिन तो हमारे स्किन का तो मतलब इंटरनली बोलो या एक्सटर्नली हमारे स्किन का बैंड बजने वाला है गाइस सो आपको आजमाने हैं कुछ टिप्स होली के 3 दिन पहले एंड होली के 3 दिन बाद तक ताकि आपकी त्वचा रहे बिल्कुल स्वस्थ एंड सुंदर एंड सुरक्षित एंड गाइस ये वीडियो नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स के लिए है इनमें जो टिप्स है वो मेन को भी अप्लाई करने होंगे एंड प्लीज ये वीडियो मैं बेसिकली अपने भाई के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो बड़ा हो गया है बट हम लोग क्या बच्चे में रंग खेला करते थे आज भी मुझे याद है मोहन का जादू रंग बट वो आज भी गाइस आज भी भूत बन के आता है आई डोंट नो व्हाई मतलब इतने सारे फूल के गुलाल नेचुरल रंग सब कुछ आ चुके हैं बट कुछ लोग वो पुराने जमाने वाले केमिकल वाले रंग खेलना नहीं छोड़े हैं जिनके कारण उनकी त्वचा बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है So this is dedicated to my bro and many other boys like him. So चलिए start करते हैं video and मैं आपको बताती हूँ tips. So guys, जो पहली tip आपको आसमानी है वो आपको शुरू करनी है आसमाना होली के 3 दिन पहले से एटलीस्ट 3 दिन गाइज आप और पहले से आजमाओ तो वेल एंड गुड बट जो आपको करना है वो है पानी पीना है गाइज आपको बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा पानी पीना है एंड अंदर से आपको हाइड्रेटेड रहना है इससे क्या होगा कि जो आपके ऊपर अटैक होने वाला है होली के दिन आप उससे पहले ही तैयार रहोगे एंड अटैक्स कैसे कैसे होने वाले हैं रंग का गुलाल का केमिकल्स का एंड फूड का गाइस हम लोग बहुत ही तेल मसाला मिर्ची मीठा सब कुछ खाने वाले हैं होली के दिन तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है प्रिपेयर्ड रहने के लिए हमें पानी पीना है सेकेंड टिप इज आपको जो 3 दिन पहले करना है वो है कि आपको तेल मसाला भुना मीठा सब कुछ खाना थोड़े दिन के लिए छोड़ना होगा ताकि आप थोड़ा नॉर्मल रहें और जब उस दिन आप पे फूड का अटैक हो देन आप उस दिन अच्छे से इंजॉय कर सकें क्योंकि समझ लो कि आप 3 दिन पहले से ही नॉनवेज इंजॉय कर रहे हो या फिर वेज में ही छोले खा रहे हो एंड अच्छे मसाले वाले सब्जी खा रहे हो देन आप उस दिन होली के दिन जब स्पेशल फूड आपके सामने आएंगे तो फिर आपको उनका टेस्ट नहीं कर पाओगे गाइस आप उनका जो मज़ेदार टेस्ट है वो होली के वाला टेस्ट वो आप फील नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने तो पहले ही बहुत ही मसाला खा रखा है एंड सेम अप्लाइज फॉर मीठा ऑल्सो क्योंकि होली के दिन हम जिनके भी घर जाएंगे इवन हमारे खुद के घर में काफ़ी कुछ मीठे में बनता है गाइस अवॉइड मीठा फॉर 3 डेज बिफोर होली ताकि आप होली के दिन वाले मीठे को अच्छे से इंजॉय कर सको द थर्ड टिप इज कीपिंग योर स्किन मॉइस्चराइज्ड एंड हेयर ऑल्सो नॉरिश्ड एंड नेल्स ऑल्सो लाइक कोटेड विद समथिंग वेरी इफेक्टिव वेरी प्रोटेक्टिव एंड इसमें आपको क्या करना है एलोवेरा जेल का यूज़ करना है गाइस आपको 3 दिन अपने फेस पर हो सके तो अपने हेयर पर एंड हो सके तो अपने नेल्स पर एंड हैंड्स पर आपको एलोवेरा जेल अप्लाई करना है फॉर 2-3 times इन अ डे उससे क्या होगा कि आपके अंदर पूरा एलोवेरा जेल एब्जॉर्ब हो जाएगा फेस के अंदर नेल्स के अंदर हैंड्स की स्किन के अंदर हेयर्स के अंदर गाइस हेयर का जो स्कैल्प है उसके लिए एलोवेरा जेल काफ़ी फायदेमंद होता है इट वुड बी बेनिफिशियल अगर आप नेचुरल एलोवेरा जेल यूज़ करो क्योंकि जो हमारे क्रीम्स होते हैं आई वुड नॉट से कि वो अच्छे नहीं होते आप उन्हें भी हेयर में अप्लाई कर सकते हो दे आर इक्वली गुड बट मे बी दे विल बी मोर कॉस्टली कंपेयर टू द नेचुरल एलोवेरा अगर आपके पास अवेलेबल है तो नेचुरल एलोवेरा जेल लगाओ गाइस स्किन में बाल में एंड हाथों में द फोर्थ टिप इज नारियल का तेल आपको अपने बालों में अपने बॉडी में
होली के 3 दिन पहले से ही जब आप सोने जाओ आप नारियल तेल लगा लो, एंड आई वुड नॉट से कि बहुत ज्यादा लगाओ, एंड इफ यू आर नॉट ओके अप्लाइंग इट ऑन द फेस आप लगाओ, देन आप पानी से मुंह धो लो या फिर आप कॉटन स्वैप से वाइप कर लो ने, बट गाइस आपको अपने बॉडी के अंदर ऑयल्स देना ही होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी अभी काफी रूखी हो रही है, मेरी तो बहुत ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ दिस वेदर फ्लक्चुएशंस। सो आपको होली में अगर अपने स्किन को अच्छा रखना है, क्योंकि होली के दिन जो केमिकल्स और बी इट फ्लोरल गुलाल ऑल्सो गाइस, बट इट्स नॉट आई विल नॉट से कि वो ऐसी चीज है जो आप खा सकते हो, वो इतनी अच्छी है। सो गाइस और ऐसा होता है कि शायद हम वो फ्लोरल गुलाल खरीद रहे हैं जो कि 50 रुपए में एक पैकेट मिल रहा है, सामने वाला बंदा जो आपके फेस पे अप्लाई करने वाला है गुलाल उसने 30 रुपए पैकेट वाला ही खरीदा होगा, मे बी वो भी फ्लोरल होगा बट उसमें केमिकल की क्वांटिटी ज्यादा होगी। सो गाइस इसलिए आपको अपने चेहरे को, अपने फेस को, अपने बॉडी को, अपने हेयर को पहले से ही प्रिपेयर करना जरूरी है। इसके लिए आप 3 दिन पहले से, एंड ऑयल के केस में इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल फॉर 3 डेज, जस्ट 1 डे बिफोर एटलीस्ट गाइस प्लीज 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 अप्लाई हेयर ऑयल ऑल ओवर द बॉडी एंड हेयर, सो दैट आपका जो बॉडी है वो पहले से प्रिपेयर्ड हो अटैक के लिए। इट्स लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको क्या करना है होली के पहले वाले कुछ दिनों में खुद को प्रिवेंट करने की तक आपको आजमानी है, कुछ तरकीबें आजमानी है, कुछ चीजें करनी है ताकि आप होली के दिन के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। सो गाइस ये थी कुछ टिप्स होली के पहले की, एंड अब आती है होली के दिन की बारी गाइस, एंड इस दिन एवरीबडी लुक्स लाइक भूत, बी इट उन्होंने पक्का रंग लगाया हो या कच्चा वाला लगाया हो, गुलाल लगाए हो, बट दे लुक खोज्ड ओनली गाइस। तो होली के सुबह में आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी में ऑयल में, बॉडी में, हेयर में, फेस में, सब जगह नारियल का तेल लगाना है। नारियल का तेल इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड इफ समबॉडी इज नॉट कंफर्टेबल विद नारियल तेल देन अप्लाई एलोवेरा जेल ऑल ओवर योर फेस, बॉडी, हेयर गाइस, एंड उसके बाद ही होली खेलने जाओ। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी पे एक लेयर बना होगा, एंड जो आपके जो गुलाल या रंग या जो भी केमिकल्स हैं वो आपको उतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे जितना अगर आप ऐसे ही खुले चले जाओगे तो इफेक्ट करेंगे। सो गाइस होली के दिन का पहला टिप जो है वो यही है कि आपको अपने फेस या बॉडी या हेयर के ऊपर एक लेयर बना के रखनी है। वो लेयर ऑयल की हो सकती है, वो लेयर मॉइस्चराइजर की हो सकती है, वो लेयर ऑयल एलोवेरा जेल की हो सकती है, एंड इट्स अप टू यू कि आप क्या यूज करना चाहते हो। सो होली के दिन का सेकेंड टिप है गाइस, जब आप होली खेल के आते हो अब आपको रंग छुड़ाना है, अवॉइड सोप, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर फेस, अवॉइड सोप ऑल ओवर योर बॉडी गाइस, क्योंकि सोप आप बार बार यूज करोगे ये आपके फेस को, बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करेगा, एंड बॉयज ये आपके लिए भी है एंड स्पेशली मेरे भाई के लिए है जो कि साबुन 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 लगा लगा के पूरे फेस का बैंड बजा लेता है। मैंने बचपन से उसे देखा है ऐसा करते हुए, ये अलग बात है मैं उसे रोकती हूँ बट ये लड़के तो सुनते नहीं है सो कुछ कर नहीं सकते, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, एंड डू ट्राई इट गाइस, इट वर्क्स, मैं जो नुस्खा आपको देने वाली हूँ। सो गाइस आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, इफ पॉसिबल यूज फेस वॉश, आप फेस वॉश अपने फेस पर प्लस बॉडी पर भी यूज करो कंपेयर टू सोप जो कि हार्मफुल होते हैं, कंपेयर टू अगर आप फेस वॉश यूज करो एंड आप एक बॉडी वॉश यूज करो या सोप यूज करो तो इट्स ऑलवेज फेवरेबल कि आप होली वाले दिन फेस वॉश को ही अपने पूरी बॉडी पर यूज करो। शैम्पू में आई वोंट से कि फेस वॉश यूज करो, यू कैन यूज योर रेगुलर शैम्पू फॉर हेयर, बट बॉडी के लिए आप फेस वॉश यूज करो गाइस, एंड आपको जो अपने फेस एंड बॉडी पर लगाना है अपार्ट फ्रॉम फेस वॉश वो है एक मिक्सचर जो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। सो गाइस आपको लेना है बेसन, एंड डोंट से कि ये अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि हमने होली के पहले वाले दिन पर इतने सारे पकौड़े खाए हैं जो कि बेसन से ही बने होते हैं, तो आपके घर में बेसन 100% अवेलेबल होगा, एंड इफ यू थिंक कि वो खत्म हो जाएगा देन अभी भी टाइम है, आप पहले से ही स्टॉक रख लो होली वाले दिन के लिए बेसन का जो कि आपको लगाना है अपनी बॉडी पर। तो गाइज आपको लगाना है बेसन, उसमें मिलानी है हल्दी क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होती है, हम सब जानते हैं ये एंटीसेप्टिक का काम करने वाली है, हो सकता है कलर से आपकी स्किन छिल गई हो या कहीं चोट लग गई हो, कहीं कट हो गया हो, सो हल्दी लगाने से आपका वो जो इन्फेक्टेड एरिया है वो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, एंड हल्दी एंड बेसन
इसे मिक्स करना है आपको दही के साथ, आपको जो इसका पेस्ट बनाना है उसे दही से बनाना है। एंड अगर दही आपकी बहुत गाढ़ी है देन यू कैन मिक्स वाटर ऑल्सो या गुलाब जल, एंड इसमें आप एड ऑन्स जो भी डालना चाहते हो डाल सकते हो, बट हल्दी, बेसन एंड कर्ड, दही, ये तीन चीज़ें तो होनी ही चाहिए जिससे आपको एक पेस्ट तैयार करना है। एंड गाइस, दही भी हम सबके घर में होने वाला है ऑन द डे ऑफ होली, क्योंकि दही बड़ा बनने वाला है हमारे घर में, सो दही भी होने वाला है। एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर, सारे दही में नमक और मिर्ची मिलाने वाली हैं हमारी मम्मियाँ, देन उनमें से दही को सेपरेट कर लो कुछ दही को, जिससे कि आप उस दिन नहाने वाले हो, आपके अपने रंग को छुड़ाने वाले हो। सो गाइज, आपने पेस्ट बनाना है हल्दी, बेसन एंड दही से, एंड इसे अप्लाई करना अपने फेस पर एंड होल बॉडी पर। एंड इफ़ यू आर ओके, आप अपने हेयर में भी, स्काल्प में अपने हेयर के यूज कर सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आई मस्ट से। एंड आपको रखना इसे थोड़ी देर, एंड देन आपको इसे लाइक सोप, आप जैसे नॉर्मल सोप या साबुन या फेस वॉश को रब करके क्लीन करते हो, उसी तरह से इसे यूज करना है। इस पेस्ट को आपको उस दिन समझना है आपका साबुन, एंड आपको यूज करना है हल्दी, बेसन एंड कर्ड, दही अपने साबुन की जगह में, और अपने रंग को छुड़ाना है। एंड गाइस, ये मेरा अपनाया हुआ नुस्खा है एंड इट वर्क्स, एंड ये मैं कुछ सालों से अपने भाई के ऊपर भी आजमा रही हूँ, एंड ये उसका प्रूफ है मेरा भाई की वो रंग सच में छूटता है गाइस। एंड आपका जब रंग छूट चुका है, यू आर ओके विद इट, आप यूजिंग योर फेस वॉश एंड दिस पेस्ट, हल्दी, बेसन एंड कर्ड वाला। इसके बाद जब आप नहा के आओ, देन डू मॉइस्चराइज योर स्किन, एंड एलोवेरा इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर, बट आप और भी कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हो इट्स ओके, बट डू मॉइस्चराइज योर स्किन गाइज, क्योंकि हमारे स्किन का बैंड बच चुका होता है जब हम होली खेल कर आते हैं तो। एंड स्पेशली अगर हमने वो मोहन का जादू रंग जो हम बचपन में खेला करते थे, मुझे आज भी याद है, अगर वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं देन तो हमारे स्किन का बैंड बच चुका है, ये पूरे स्किन छिल चुके हैं। देन गाइज, डू यूज अ वेरी 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 गुड क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चराइजर यूजिंग ऑन योर होल बॉडी गाइज। एंड आप बालों में कंडीशनर ज़रूर लगाना, अगर हेयर मास्क है तो ज़रूर लगाना गाइज। एंड आपको अब मैं लेके चलती हूँ शाम की तरफ, जब हम गुलाल खेलने जाएंगे, जब हम लोगों से मिलने जाएंगे। एंड गर्ल्स, डू नॉट वियर हैवी ज्वेलरी ऑन होली डे, मतलब मैंने अभी ये बड़ी सी इयरिंग पहन रखी है बट मैं होली में गलती से भी इन्हें नहीं पहनूंगी। एंड मैंने नोज रिंग पहन रखी है, आई विल ऑल्सो रिमूव दिस थिंग, क्योंकि क्या होता है ना, इट्स नॉट लाइक लड़ाई, बट हम प्यार में ही ना कभी कभी हाथ पकड़ने लगते हैं सामने वाले का, एंड वो हमारे फेस पे रंग लगाना चाहते हैं, एंड वी लाइक डिफेंड आवर सेल्स, एंड उस केस में क्या होता है ना, उनका हाथ लग जाता है हमारे कानों पर, हमारे नाक पर, एंड कहीं मेरा नाक में से ये पूरा कट ही ना जाए या मेरे इयर रिंग्स पूरे कान को काट ना दे। सो आई अवॉइड वेयरिंग दीज काइंड ऑफ लॉन्ग इयर रिंग्स एंड नोज रिंग ऑल्सो, सो आई अवॉइड इट, इट्स माई पर्सनल डिसीजन एंड आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड इट। यूज अ स्मॉलर इयर रिंग, एंड अगर नोज पिन पहनना है देन वो स्टड टाइप ऑफ पहन लो, देन मे बी यू विल नॉट गेट अफेक्टेड। एंड जो नेक्स्ट टिप है वो भी शाम के ही ऊपर है, एंड इट्स फॉर गर्ल्स, लाइक अभी ज्वेलरी वाला था एंड अभी मेकअप वाला है, डू नॉट डू हैवी मेकअप, जस्ट अ बेसिक मेकअप इज वेल एंड गुड फॉर होली, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी मेकअप होने वाला है, आपके ऊपर गुलाल लगने वाले हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील, आप मेकअप करो ना करो, जस्ट अप्लाई अ वेरी फाइन लिपस्टिक एंड यू आर गुड टू गो गाइज। एंड एक और चीज़ मैं नोट कराना चाहूँगी शाम के लिए, अगर लड़कियाँ आप लोग एक लेयर ऑफ मेकअप कर लो, लाइक अ लेयर ऑफ फाउंडेशन लगा लो अपने फेस पे, देन जो आपके फेस पे गुलाल लगेगा वो फाउंडेशन के ऊपर लगेगा एंड आपका फेस प्रोटेक्टेड रहेगा उस गुलाल से, क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि खराब क्वालिटी का गुलाल यूज़ कर रहा हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, आपका खुद का गुलाल तो बहुत अच्छा है बट सामने वाले का गुलाल कैसा है, यू आर नॉट नोइंग गाइज। एंड मुझे आज भी याद है बचपन में जब हम लोग रंग खेलने जाया करते थे, कुछ लोग उसमें ना सरसों तेल मिला देते थे, एंड व्हेन दे यूज टू अप्लाई इट ऑन आवर फेस, मतलब वो खुद के फेस पे तो नहीं लगाते थे बट जब सामने वाले के फेस पे लगाते थे ना, तो इट यूज टू रियली इच गाइस, मतलब वो पूरा इची इफेक्ट देता था, पूरा हमारा स्किन जलने लगता था। आई डोंट नो ये क्यों करते थे, मे बी इट वॉज फन फॉर देम, बट हो सकता है आज भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हो। सो गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको खुद का ख्याल रखना है, खुद का प्रिवेंशन पहले ही कर लेना है, ताकि जब ऐसे अटैक्स हो तो आप उससे बच जाओ। एंड
डोंट टेक इट अदरवाइज. अगर आप लोग ऐसा करने वाले हो दूसरों के साथ तो ये मत बोलना कि इसने तो पहले ही हमारा पोल खोल दिया. बट प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि सामने वाले का ख्याल रखो गाइस. उनके स्किन पे अगर आप कुछ भी ऐसा खराब लगाओगे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपसे बदला ले लें. सो प्लीज डोंट डू दैट. एंड ये तो हो गई होली के दिन की बात गाइस. एंड होली के बाद आपको क्या करना है? होली के बाद प्लीज, हम लोग इतना खा चुके होते हैं एंड इतना झेल चुके होते हैं रंग अबीर गुलाल एंड तेल मसाला एंड एवरीथिंग, इतना कुछ हो चुका होता है कि नेक्स्ट 3 days बिल्कुल सात्विक जीवन जी लो गाइस. खिचड़ी खा लो एंड अवॉइड मेकअप. इट्स लाइक बिल्कुल सब कुछ त्याग करके, इट्स लाइक नो मेकअप एंड नो फोन्स एंड नो फूड ऑयल एनीथिंग, उस टाइप का लाइफ जी लो नेक्स्ट 3 days एंड यू विल बी वेरी 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 रेडी फॉर द अपकमिंग समर्स. एंड उससे क्या होगा कि आपका जो होली का जो भी आपने इनपुट लिया है वो सब कुछ आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी बॉडी में. एंड आप उसके नेक्स्ट 3 days नो मेकअप करो गाइस, नो ऑयल, अवॉइड ऑयल एंड अवॉइड मीठा, क्योंकि आपने इन तीनों का इंटेक बहुत ही ज़्यादा कर लिया है ऑन द डे ऑफ होली. एंड इट वॉज माई पर्सनल ओपिनियन, प्लीज डोंट गेट हर्ट अगर कुछ लोगों को ये दिल पे लग गया कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, बट इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. आप तेल भी मिला सकते हो सामने वाले के रंग में एंड आप गुलाल में पक्का रंग भी मिला सकते हो, जैसा हम लोग करते हैं यूजुअली शाम वाले पार्टी में. हम लोग गुलाल में पक्का रंग मिला करके लोगों के बालों के अंदर डाल देते हैं एंड जब वो नेक्स्ट डे नहाते हैं तो पूरा रंग आता है. ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है एंड ऐसा मैं अभी कर चुकी हूँ, आई वोंट लाय. सो आप सब कुछ करो, फन करो, मस्ती करो एंड होली को इंजॉय करो. एंड आपको मैं विश करती हूँ हैप्पी होली इन एडवांस एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर होली गाइस. आप ये सारे ट्रिप्स एंड ट्रिक्स आजमाओ, होली के पहले वाले, होली के दिन वाले, होली के बाद वाले. एंड बी हेल्दी गाइस एंड आप अपने स्किन को अच्छा रखो, अपने खुद को अंदर से अच्छा रखो, बाहर से अच्छा रखो एंड यू हैव टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ गाइस. सो डू दैट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट टू इट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर हिट करना ताकि आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक जा सके. सो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.